तो भाई साहब, जैसा कि आप लोग जानते हो, सॉरी, हेलो विशु फैम, नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू एवरीबॉडी, दिस इज एमआर। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 6:45 और अभी हम आ चुके हैं नमो गार्ड में। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए, चल के दिखाते हैं नमो गार्ड टूट गया है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है, नमो घाट पर जलस्तर बढ़ने के कारण कृपया सावधानी से चलें, निचले हिस्से पर ना जाएं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं खिड़किया घाट पे, और ये सामने ऊपर जो पुल देख रहे हैं आप, इस पे से जाता है ट्रेन, दो पहिया, चार पहिया वाहन, और ये सीधा चला जाता है पड़ाव पे। आप लोग देख रहे हो उस पार बड़ी आसानी से। तो गाइस इस टाइम मैं बता दूं कि गंगा का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है। ये है बनारस का सबसे बड़ा आधुनिक घाट, जो कि डूबने के कगार पे है। इसके पीछे गंगा नदी के CNG भी है, जिसमें भाई लोग, ऑटो वाले भाई लोग आकर अपना सिलेंडर भराते हैं। CNG का जो मशीन है वो भी डूबने की कगार पे है, पूरा घाट डूबा हुआ है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कितना ये जो नीचे का तल है वो भी डूबा हुआ है। हम आपको बताता चल रहा हूँ कि जब ये नहीं था तो 84 घाट था हम लोग के पास, ये 85वां घाट है। गाइस आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका नाम खिड़किया घाट था पहले, इस जगह का नाम खिड़किया घाट था, लेकिन अब खिड़किया घाट नाम एडिट करके इसका नाम नमो घाट रखा गया है। जो देख सकते हैं 9 ये ऊपर तल्ले में है, जो कि अंदर नीचे नदी में रहता है। काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया है और ये खतरे के निशान के अभी नीचे पानी है। भाई आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस घाट पे और भी कई चीज़ें बनने वाली थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप आस्था की डुबकी लगाने से डरते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आपको स्नान कराने का भी प्रबंध कर रही है। तो आपको बता दूं कि काशी में माँ गंगा का स्नान सदा से चल रहा है। आपको बताते चलें कि योगी सरकार हर उम्र के विकलांग के लिए डुबकी लगाने का विशेष प्रबंध कर रही है। आपको बताते चलो कि योगी सरकार लगभग 2 करोड़ के लागत से नमो घाट के सामने चेंजिंग रूम भी आदि चीज़ें बनाने वाली हैं। आधा लमसम डूब गया, तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए, वहाँ पे चल के दिखाते हैं। जो नज़ारा है गाइस, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया, आप लोग देख सकते हो, तो वो वाला CNG भी डूब चुका है। और ये हमारा घाट का कुछ लोकेशन, क्योंकि नमो घाट उधर पड़ता है गाइस, आधा डूब गया है, चल के दिखाते हैं अभी आप लोग को। गाइस एक रास्ता गया है नमो घाट के पास बाएँ साइड से, जो कि सीधा आपको बाएँ साइड में ले जाएगा और सीधा नमो घाट के पास ही ले जाएगा, तो वहीं पे चलने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यही रास्ता। तो गाइस अभी सुबह का टाइम है, 6:10 ही हो रहे हैं, और यहाँ का कुछ नज़ारा नमो घाट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्तमान समय में पानी आ गया है, और वही आपको दिखाने के लिए हम आए यहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम आए थे तो पानी एकदम लिमिटेड था। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तो थोड़ा सा यहाँ का लोकेशन आप थोड़ा सा देख के समझ में आ गया होगा। कैटरीना कैफ को वीडियो बनाए थे यहाँ पे हम, नमो का जो हाथ है वो आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डूब चुका है, जो कि पूरा कि एक तल्ला आप समझो, पूरा एक तल्ला। ये देखिए कुछ लोकेशन। तो गाइस ये पूरा नीचे वाला जो प्लेट है समझो, वो डूब चुका है। ये हाथ देख रहे हैं गाइस कहाँ तक से पानी आ गया, यहाँ तक पानी आ गया है। तो अभी उम्मीद की जा रही है कि ये वाला जो है तल्ला वो भी डूबने ही वाला है, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस बात का हमको बहुत अफसोस है। ये जानकारी के लिए मैं बता दूं कि काशी के खिड़किया घाट में कई कार्य हुए, पर नमस की मुद्रा में इसे नमो घाट के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। जो कि गाइस देख रहे हैं आधा लमसम डूब गया है, और ये भाई लोग भी मज़े ले रहे हैं मतलब, और ये हमारा झंडा लहराता हुआ, ये दादी भी आनंद ले रही हैं, और काफ़ी पानी आने के कारण अभी स्थिति बिगड़ सकती है। और ये
तो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल ही में नमो घाट बन के तैयार हुआ था और ये खिड़किया घाट था, जैसे कि पीछे मैंने बताया कि इसको चेंज एडिट करके इसका नाम नमो घाट रख दिया गया है, जो कि हाथ से पता चलता है, ये हाथ देखकर पता चलता है नमो घाट है। और ये हमारा झंडा लहराता हुआ और सामने देख रहे हैं ये रास्ता चला जाएगा पड़ाव पे, जो कि इस पुल से आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखिएगा इस काफ़ी ज़्यादा पानी है, कुछ लोग आनंद भी ले रहे हैं नहाने का। तो यहाँ पे जो है बराबर ज़मीन है, उसके आगे तो मतलब गाइस मिट्टी का ज़मीन है, और ये जो आप सामने दिख रहे हैं यहाँ पे मिट्टी का ज़मीन है, और ये हमारा नाव सब डूब चुका है अभी। और यहाँ पे भाई लोग नहा कर मज़े ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन है और पानी देख रहे गाइस काफ़ी तेज़ी से उछाल मार रहा है, इससे ये पता चलता है कि अभी पानी बढ़ सकता है। सो गाइस अगर आप लोग नमो घाट में आना चाहते हो, ये रास्ता जो दिख रहा है लाल खां का जो किला है, तो आप इसको जानते ही होंगे, तो यही इसके बगल से एक रास्ता धार वाला रास्ता उतरा, तो यही धार आपको आना है। और इधर भरा लेते हैं सीएनजी, अगर आप ऑटो से आए तो इसमें सीएनजी भराने का आपको ज़रूरत पड़ेगा, अगर नहीं है तो सीएनजी भराने के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं। और इधर से एक रास्ता गया है जो कि अंदर इंटर करता है लाल खां के बिल्कुल जस्ट नीचे, और यहाँ पे जो आप सामने दिख रहे हो बाबा आ रहे हैं नीचे जाके, इस गाड़ी का पार्किंग लगा हुआ है, तो यहाँ से आप गाड़ी पार्क करो, इसके कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। गाइस ये हम नमो घाट में आए थे वीडियो बनाने के लिए, ये हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा भैया? प्रखर। सिर्फ प्रखर? प्रखर प्रखर, बहुत टेढ़ा नाम रख दिया भाई। प्रखर केसरी। और तुम्हारा नाम? बाबू आशीषानी। आशीषानी आशीषानी, मतलब इतने में तो हम चौका घाट चले जाएंगे भाई, इतना। तो गाइस ये हम सपोर्ट करते हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। कल के ब्लॉग में आप सभी से मुलाकात हो जाएगी, तब तक के लिए बाय। I've been stupid silence, you've been standing right there all alone, even though it's been unspoken so long.